सो गाइस लाइफ में कभी भी आप कोई भी वेबसाइट विजिट करेंगे या फिर गूगल पे अकाउंट बनाएंगे या फिर कोई भी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको इन तरह के कैप्चास देखने को मिलेंगे। दोस्तों बोला जाता है कि आपकी छोटी छोटी एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन यार रुको रुको, आपने कभी सोचा है कि ये कैप्चास मुझे दिखाए क्यों जाते हैं? आखिर कैप्चास दिखाने की वजह क्या है? ये कैप्चास मुझे बार बार दिखा के परेशान क्यों किया जाता है? सो हाय गाइस, दिस इज शिवम एंड यू आर वॉचिंग टेक्नोलॉजी टेक इन हिंदी चैनल। सो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैप्चास होते क्या है, इन्हें क्यों लाया गया। दोस्तों उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दोस्तों IRCTC का नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडियन रेलवे में जितनी सारी ट्रेनें चल रही है उन सारे ट्रेनों का रिजर्वेशन इसी वेबसाइट से होता है। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा नियम है IRCTC में या फिर कह लें तो रेलवे में, जहाँ पे आपको एक दिन पहले ट्रेन में रिजर्वेशन मिल जाएगा। दोस्तों 10 बजे स्लीपर क्लास का तत्काल खुल जाता है, 11 बजे AC क्लास का तत्काल खुल जाता है। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक टिकट बुक करना है तो उसके बाद मैं जाऊँगा 10 बजे या फिर 11 बजे, जब भी तत्काल ओपन होगा वेबसाइट पे वहाँ पे मैं लॉग इन करूंगा, सारी डिटेल्स एंटर करूंगा, उसके बाद मैं एक टिकट बुक कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर उससे पहले किसी ने कर दिया तो सारी टिकटें उसके पास चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर मेरा दिमाग प्रोग्रामिंग में चलता है या फिर कहें तो कोडिंग में चलता है तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना दूंगा यानी कि एक रोबोट बना सकता हूँ। दोस्तों ये करेगा क्या कि जो काम मैं 2 से 3 मिनट में करूंगा, दोस्तों ये रोबोट या फिर ये स्क्रिप्ट जाएगी वेबसाइट पे फटाफट, वो 10 सेकंड में ही वो काम कर देगी दोस्तों, उस कोडिंग की मदद से। दोस्तों मैं वो कोडिंग को तैयार रखूंगा, उसको सब कुछ बता के रखूंगा और जैसे ही 10 बजेगा या फिर 11 बजेगा उस कोडिंग को मुझे बस इंटर मार के रन कराना होगा। दोस्तों जैसे मैं रन कराऊंगा उस कोडिंग को तो फटाफट वो जितनी भी टिकट बुक चाहेगी उतनी हो जाएगी। जो काम मैं 2 से 3 मिनट में करूंगा वो काम मेरा रोबोट कर देगा यानी कि स्क्रिप्ट कर देगी 10 सेकंड में। तो यार पूरी दुनिया के लिए, सभी लोगों के लिए, सारे वेबसाइट वालों के लिए यही डाउट था कि कैसे यार पकड़ा जाए, कैसे डिटेक्ट किया जाए कि कौन ह्यूमन है, कौन एक पर्टिकुलर इंसान है और कौन यहाँ पे एक रोबोट है। तो दोस्तों इस तरीके से वो पकड़ में आ जाए और यहाँ पे हम सारे प्रिकॉशंस कर सके अपने वेबसाइट के अंदर और सारे दरवाजे बंद कर सके दोस्तों, ताकि यहाँ पे अगर तत्काल खुले तो तत्काल खुलते से खत्म ना हो जाए दोस्तों। क्योंकि अगर रोबोट स्क्रिप्टें बन गए, ढेर सारी रोबोट बन गए, ढेर सारे स्क्रिप्टें बन गई तो तत्काल खुलते से खत्म हो जाएगा, लोगों तक ये सारी चीजें नहीं पहुंच पाएंगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया गया कैप्चा का। तो यहाँ पे आप जो कैप्चा का नाम सुनते हो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों है, इसका फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। इसको लाया इसलिए गया था ताकि स्पैमिंग रोकी जा सके, जितनी भी स्पैमिंग हो रही है दोस्तों, गूगल पे अकाउंट बनाए जा रहे हैं, लाखों लाख अकाउंट बनाए जा रहे हैं दोस्तों, भर भर के आइडिया बन रही है, 10-10 सेकंड में करोड़ों करोड़ों आइडिया बन रहे हैं। इन्हीं सभी चीजों को रोकने के लिए दोस्तों, सारे दरवाजे बंद करने के लिए, जितनी सारी स्पैमिंग है उन सभी चीजों को रोकने के लिए लाया गया था कैप्चा कॉन्सेप्ट को। इसे दोस्तों ये पता लगाया जाए कि आप एक रोबोट हो या फिर आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो। तो दोस्तों यहाँ पे 2003 में कैप्चा आया, कैप्चा को ऐसे डिजाइन किया गया, कैप्चा में ऐसी टेक्नोलॉजी डाली गई दोस्तों कि यहाँ पे ही आपको एक लेटर दिखाया जाता था, यानी कि सिंपल लेटर दिखाए जाते थे कि आपके लैपटॉप या फिर PC स्क्रीन पे, जो कि सिंपल अगर ह्यूमन हो आप तो आप देख के अपनी आंखों से समझ जाओ, और उस लेटर को थोड़ा उल्टा फुल्टा कर दिया जाता था, उसके बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस डाल दी जाती थी और उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाता था ताकि आप अगर एक ह्यूमन हो तो आप देख के समझ लो और कोई ऑटोमेटिकली कंप्यूटर या फिर वहां पे अगर रोबोट आता है तो वो देख के समझ नहीं पाए और वहां पे वो कंफ्यूज हो जाए। दोस्तों इसको लाया इसलिए गया था कि ताकि आपको पता किया जा सके कि आप एक ह्यूमन हो या फिर आप एक रोबोट हो। इसके आने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा एडवांस किया गया कैप्चा के बाद, इसको थोड़ा सा एडवांस किया गया और यहाँ पे एक reCAPTCHA आया। दोस्तों reCAPTCHA को एक कंपनी ने डिजाइन किया, इनका मोटिव यही था कि यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल चीजें दिखाते हैं, कुछ अच्छी चीजें दिखाते हैं, फालतू के वर्ड्स नहीं दिखाते। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि मार्केट में जितनी सारी बुकें थी उनको फटाफट से स्कैन किया इन लोगों ने। तो दोस्तों आप एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी और है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी से ये होता है कि अगर आप कोई वर्ड्स दिखाते हो या फिर एक बुक दिखाते हो कंप्यूटर को, उसके सामने अगर आप दिखाते हो तो वो यार कन्वर्ट कर देगा, वो उस बुक को कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में, यानी कि वो फटाफट से पूरी बुक को ही कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में। तो इससे दिक्कत ये था कि जो भी वर्ड्स हम दिखा रहे हैं अगर वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो एक कंप्यूटर कन्वर्ट कर लेगा, तो फिर उसे दिखाने से मतलब ही क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी वाले ने दिमाग लगाया और जितनी सारी बुकें थी मार्केट में उसको स्कैन किया फटाफट से। और दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर से पूछा कि बॉस तुम पढ़ पढ़ के बताओ कि कौन से वर्ड्स तुम्हें समझ में आ रहे हैं और कौन से वर्ड्स तुम्हें नहीं समझ में आ रहे हैं। दोस्तों कंप्यूटर ने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स छांट दिए, एक तरीके से हटा दिए कि भैया ये सारे वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आ रहे, उन्हीं सारे वर्ड्स को उठा के डाल दिया गया कैप्चा में। तो यहाँ पे जो कैप्चा का reCAPTCHA आया वहाँ पे आपको बुक्स के वर्ड दिखाए जाते थे, उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाता था ताकि अगर एक ह्यूमन पढ़े तो उसे समझ में आ जाए और रोबोट पढ़े तो
उसे नहीं समझ में आया। और एक मेन इमोटो यही था कि आप बस उसे एक पकड़ना था कि आप एक रोबोट हो या फिर आप एक ह्यूमन हो। यहाँ पे 2009 में गूगल आया, गूगल के सामने भी ये सारी चुनौतियां थी कि दोस्तों यहाँ पे कैसे रोके जाए स्पैमिंग। गूगल के सर्च में भी बहुत सारी स्पैमिंग हो रही थी, ढेर सारी ईमेल आईडियां बन रही थी। तो दोस्तों गूगल ने यहाँ पे क्या किया कि 2009 में reCAPTCHA कंपनी को ही खरीद लिया। तो दोस्तों इस तरीके से reCAPTCHA 2009 में बिक गई गूगल के पास। दोस्तों यहाँ पे गूगल ने सोचा कि अब कैप्चा को थोड़ा एडवांस बनाते हैं, क्योंकि यार लोगों से टेक्स्ट भरवाना यानी कि बार बार उनसे टाइप करवाना अच्छी बात नहीं, उनका टाइम का वेस्टेज है। तो यहाँ पे दोस्तों गूगल कुछ करता है, उससे पहले मार्केट में ढेर सारी कंपनियां आ गई, उन लोगों ने एक कॉल सेंटर टाइप का बना दिया, एक बंदे बिठा दिए, बहुत सारे बंदों को बिठा दिया और उन्होंने बोला कि आप हमें पैसे दो और हम आपके कैप्चा सॉल्व करके दे देंगे ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बन गई थी कि जब जब कैप्चा आते थे उन लोगों के पास चले जाते थे और वो लोग ऑटोमेटिकली सॉल्व करके दे देते थे। यहाँ पे गूगल बड़ा परेशान हुआ, गूगल ने थोड़ा दिमाग लगाया और गूगल ने यहाँ पे दोस्तों थोड़ी रिसर्च किया और वहाँ पे उसने सोचा कि यार इस तरीके से बार बार परेशान होने से अच्छा है कि इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा अच्छा किया जाए, इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा एडवांस किया जाए। और दोस्तों गूगल ने इसको थोड़ा एडवांस करा और इसको एक नया नाम दिया, एक नया कैप्चा बना दिया, नो कैप्चा reCAPTCHA। दोस्तों यहाँ पे अब reCAPTCHA आ चुका था। दोस्तों आजकल आपने देखा ही होगा, जस्ट एग्जांपल आपने गूगल पे देखा ही होगा कि आपको बस एक सिंगल क्लिक करना है और वहां पे एक लिखा होता है आई एम नॉट रोबोट, यानी कि मैं रोबोट नहीं हूँ। बस उस पे आप एक सिंगल क्लिक करोगे और ग्रीन कलर का एक टिक आ जाएगा, यानी कि उस आप लेवल को पार कर सकते हो, यानी कि आप एक रोबोट नहीं हो। तो दोस्तों अब आप सोचोगे कि मैं क्लिक कर सकता हूँ आई एम नॉट रोबोट पे, तो कोई रोबोट क्यों नहीं क्लिक कर सकता है, बस लिखने से क्या हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, जब आप क्लिक करते हो उस टाइम आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से या फिर मोबाइल से जिससे भी आप क्लिक कर रहे हो वहां से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उठा के उस वेबसाइट पे जाती है, गूगल के सर्वर पे जाती है। दोस्तों तो वहां पे क्या क्या जाता है मैं बता दूं, आईपी एड्रेस आपका, आपके सिटी का लोकेशन, आपके कंट्री का लोकेशन, आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, आप किस तरीके की चीजें यूज कर रहे हो, कितने देर से आप उस वेबसाइट पे हो। दोस्तों आपका जो कर्सर है, आपका जो कंप्यूटर यूज करने का या फिर उस आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने का मूवमेंट है वो किस तरीके से, आप सीधे आ रहे हो या फिर अपने कर्सर को घुमा के लाया। दोस्तों ये सारी चीजें गूगल के सर्वर पे चली जाती है, वहां पे मशीन लर्निंग यूज होती है, पता लगाया जाता है कि आप एक ह्यूमन हो या फिर आप एक रोबोट हो, आपके मूवमेंट से, आपके आईपी एड्रेस से, आपके कंप्यूटर में जो भी चीजें आप कर रहे हो उनके हिसाब से वो एक पता लगा लेता है कि आप एक रोबोट हो या फिर आप एक ह्यूमन हो। यहाँ पे अगर गूगल को लगता है 95% भी कि आप एक ह्यूमन हो तो वो आपको जाने देगा, बाईपास कर देगा। लेकिन उसको अगर 10-15% भी लगता है कि आप एक ह्यूमन नहीं, आप एक रोबोट हो, तो वहीं पे आपको रोक देगा। ढेर सारी इमेजेस दिखाई जाएंगी, आपको बोला जाएगा कार को पॉइंट करो, स्ट्रीट लाइट्स को पॉइंट करो, यहाँ पे आप बसेस को पॉइंट करो, तो इस तरीके से आपसे पॉइंट कराया जाएगा। अगर आप इन चीजों को भी करते हो तो आपको भी कुछ सेकंड बाद आपको भी वो चीजें ऑटोमेटिकली बाईपास कर दी जाएंगी, यानी कि आपके लिए भी वो दरवाजे खुल जाएंगे। तो इसी तरीके से एक कैप्चा बन गया, एक नया कैप्चा बन गया जिसको कि नाम दिया गया reCAPTCHA नो कैप्चा। खुद सोचने वाली चीज है कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, मान लीजिए आप कोई फॉर्म फिलअप करने वाला वेबसाइट बनाते हो, तो दोस्तों अगर आपका कोई दुश्मन है या फिर अगर आपको आपकी कोई वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहता है तो वो वहां पे स्क्रिप्ट बना देगा, आपकी आईडी को एकदम भर देगा, वहां पे वो फॉर्म इतने ज्यादा फिलअप कर देगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको भी कैप्चा लगाना चाहिए, यानी कि अगर आपका कोई वेबसाइट है, आपने अब तक कैप्चा नहीं लगाया है, यानी reCAPTCHA नहीं लगाया, नो कैप्चा नहीं लगाया, तो आप अभी लगा लीजिए नो कैप्चा या फिर कहें तो reCAPTCHA। तो दोस्तों अगर आप गूगल पे अकाउंट बनाते हो या फिर कहीं पे भी अकाउंट बनाते हो तो इन तरीके का कैप्चा आपसे भरवाता है। अगर आप नहीं भर पाते हो तो दोस्तों आप सबसे पहले तो मिरर के पास जाओ, उससे पूछो कि भैया मैं रोबोट हूँ या फिर मैं एक इंसान हूँ। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिएगा, चैनल पर हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ी सी भी अगर नॉलेजेबल आपको लगा हो ये वीडियो या फिर लगा हो कि थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में करिएगा प्रेस बेल आइकन को यानी कि घंटे के बटन को, ताकि मैं इस तरीके की जो भी नए वीडियोज लाऊं बुलेट ट्रेन से भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।